नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में, जो अपने एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान में अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, जिसका नाम है बीज या बीज प्रौद्योगिकी, या आप बोल सकते हो इसका सीड टेक्नोलॉजी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक में से हर वर्ष चाहे आपका जेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सुपरवाइजर का एग्जाम हो, मेनली ये दो एग्जाम अपने राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है, एक अपने कॉलेज के एंट्रेंस के लिए और दूसरा जॉब के लिए, प्लस टू लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो जो पिछले 2-3-4 साल में जो कॉम्पिटिशन हुए हैं सुपरवाइजर के, जेट के, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक में से लगभग एक दो क्वेश्चन जो है हर बार रिपीटेड रहते हैं ना। तो देखिए, बीज प्रौद्योगिकी में से कहां कहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। एक तो रहती है इसमें, अपन आगे पढ़ेंगे टैग के रंग, अपन अलग अलग प्रकार के बीज पढ़ेंगे, जैसे मूल केंद्रक है, प्रमाणित है, पंजीकृत है, आधार है, इनमें जो है टैग के रंग में से क्वेश्चन आता है। कई दफा जेट में जो है प्रमाणित बीज जो अपने किसानों को दिया जाता है, जिसको अपन सर्टिफाइड भी बोलते हैं, इस सर्टिफाइड सीड में से जो है कई दफा जो है पूछा गया है कि प्रमाणित बीज का जो बैग होता है, थैली होता है, उसमें टैग का रंग कैसा होता है, तो इस पे आता है नीला, ब्लू कलर का। अगर अपन बाजार से या अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या राज्य बीज निगम है या NSE है, वहां से प्रमाणित बीज खरीदेंगे, तो उसके ऊपर ही ऊपर जो सिलाई आती है, उस सिलाई के साथ में एक टुकड़ा लगा हुआ रहता है, जिसपे उसके बैच नंबर, लॉट नंबर, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो सारी चीजें मेंशंस रहती है। तो वो किस रंग का होगा, नीला रंग का, इसके आधार पर उसकी हम जांच कर लेंगे। इसके बाद में बहुत बार जो है आधार बीज का भी पूछा जाता है कि जो फाउंडेशन शीट होता है, जिसको मदर शीट भी कहते हैं, इस पे टैग का रंग कैसा होता है, सफेद। तो यहां से भी जो टैग के रंग में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। इसके बाद में इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, वो दूसरा है इसमें कि आपके बीजों की जो जीवन क्षमताएं ज्ञात करते हैं, सीड वायबिलिटी, जिन पे अपन बाद में डिस्कशन करेंगे जब टॉपिक को सविस्तार पढ़ेंगे डिटेल्ड में। तो सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं कि TZ टेस्ट या टेट्राजोलियम टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बीजों की जीवन क्षमता क्या ज्ञात करता है, बीजों की जीवन क्षमता, जिसको सीड वायबिलिटी कहते हैं। सीड वायबिलिटी यानी सीड वायबिलिटी का मतलब यह है कि बीज दिखने में एकदम स्वस्थ हो, मोटा ताजा हो, लेकिन वो अंकुरित होगा या नहीं होगा, उसमें एम्ब्रियो है या नहीं है, ये देखने के लिए हम सीड वायबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो TZ का होता है जीवन क्षमता ज्ञात करना। इसके अलावा फिर आता है सुषुप्त अवस्था या डोरमेंसी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन, सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में से बहुत सी बार, कई दफा, कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया है कि आलू की सुषुप्त, सुषुप्त अवस्था क्या होता है, कि किसी भी बीज का जो है कुछ समय तक अंकुरित नहीं होना, आराम की अवस्था में चले जाना, हालांकि वो अंकुरण के लिए उसमें पर्याप्त जो है चीजें मौजूद थी, भ्रूण भी था, सारी चीजें थी, लेकिन कुछ समय तक वो आराम की मुद्रा में चला जाता, रेस्ट पीरियड में, है ना। तो उसको कहते हैं सुषुप्त अवस्था। तो आलू की सुषुप्त अवस्था उठाना, ये सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन भी है कि आलू में सुषुप्त अवस्था कहीं से उठाएंगे, थायो यूरिया से उठाएंगे। इसके अलावा जो है आपके क्वेश्चन सुषुप्त अवस्था में और बहुत सारे बढ़ते हैं, कौन कौन से अम्ल है जो सुषुप्त अवस्था उठाते हैं, कौन सा रसायन है जो सबसे ज्यादा सुषुप्त अवस्था उठाता है, इसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और सुषुप्त अवस्था डोरमेंसी के बाद में अपन चर्चा करेंगे पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन की, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन की, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन की, जिसको अलगाव दूरी भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा अपन चैप्टर में करेंगे। देखिए, 2018 सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन आया था, वो आया था कि जो शंकुल मक्का होता है, इस शंकुल मक्का का जो आपका प्रमाणित बीज होता है, इस प्रमाणित बीज में अपन दूरी कितनी रखेंगे, तो इसमें जो है प्रमाणित बीज की दूरी रखी जाती है 200 मीटर। कितनी रखी जाती है, 200 मीटर रखी जाती है, जबकि अगर आधार आता तो 400 हो जाती, और अगर संकुल की जगह अगर संकर आ जाता तो 600 मीटर की दूरी तो रखते अपन जो है आधार बीज में, और प्रमाणित में रखते अपन 300 मीटर की दूरी। ऐसे ही बाजरा में आ जाता है, तो संकर बाजरा की अगर बात करें तो संकर बाजरा में आ जाता है 1000 मीटर तो आधार बीज में, और अगर प्रमाणित की बात करें तो 200 आ जाएगा, यहां आधा नहीं होगा, यह ध्यान रखना है, आगे अपन और चर्चाएं करेंगे। देखिए दोस्तों,
ये तो इस टॉपिक के बारे में कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, बीजों के प्रकार में से क्वेश्चन आते हैं, सुसुप्त अवस्था में आते हैं, पृथक्करण दूरी में से आते हैं, टैग के रम में से आते हैं, इसके अलावा इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, हम जिस दौर में है और जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं वहां हमारा मेंटल लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए अभी के दौर में एक छोटा सा मोटिवेशनल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज के जमाने में लोगों का मुख्य काम होता है आपका मनोबल गिराना। अगर कोई भी व्यक्ति सफल हो रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है अच्छी राह पे चल रहा है, तो उसकी टांग खींचने का ट्रेंड बहुत जो है जोर शोर से चल रहा है। तो सबसे बड़ा रोग है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों इसके बारे में मैं छोटा सा आपकी एक प्रेरणादायक जो है कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारे मेंढक थे। सभी मेंढकों में एक दिन एक प्रतियोगिता हुई, एक होड़ लगी कि पास में जो चट्टान है, पास में जो डूंगर है, पर्वत है, इस पे जो मेंढक सबसे पहले चढ़ेगा इसके शिखर पे, उसको जो इस तालाब में जो है मेंढकों का राजा घोषित किया जाएगा। तो जैसे ही शर्त लगी, उसके थोड़ी देर बाद में जो है सारे मेंढक जो है उस चट्टान पे, उस शिखर पे चढ़ने के लिए जो है जोश करोश से जो दौड़ने लग गए। कुछ मेंढक जो है 10-20 मीटर के बाद में वापस लौट गए, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऐसे करते करते 50-60 मीटर तक लगभग सारे मेंढक जो है वापस धीरे धीरे लौट के तालाब में आ गए। लेकिन एक मेंढक अनवरत अपनी मस्त जो है गति से धीरे 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 उस जो चट्टान की तरफ चढ़ रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, वैसे वैसे जो नीचे मेंढक थे वो नीचे से चिल्ला रहे थे, अरे भैया कि ऊपर जो चट्टाने हैं उनमें फिसलन बहुत अधिक है, ऊपर आप अधिक गहराई पे जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। उसका कुल मिला के जो है उसका मनोबल गिरा रहे थे। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता, उनको चिल्लाता हुआ देखता और चिल्लाता हुआ देखकर खुश होता और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता। जैसे ही नीचे की तरफ देखता, वो उसकी तरफ देख के चिल्लाते और चिल्लाता हुआ देख के जो है फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ता। ऐसे करते करते अंततः वो जो शिखर के ऊपर पहुंच गया और शिखर पे ऊपर पहुंचते ही उसको उस तालाब का सिकंदर या राजा घोषित कर दिया। तो वहां जो मेंढक थे उन मेंढकों में जो ये कौतूहल का विषय हो गया कि एक वृद्ध मेंढक वहां कैसे पहुंच गया। जैसे ही ये चर्चा का विषय बना, तभी उस मेंढक का एक दोस्त था, उसने कहा कि भैया जो मेंढक ऊपर चढ़ा है वो जो है बहरा है। जब आप लोग नीचे से जोर जोर से उसका मनोबल गिरा रहे थे, जब आप उसको जो है ये कह रहे थे कि भैया मर जाओगे नीचे आ जाओ, तब उसको ये लग रहा था कि ये लोग मेरा मनोबल जो है बढ़ा रहे हैं। तो उसको जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता मनोबल बढ़ता और ऊपर की तरफ जो बढ़ने की कोशिश करता। तो दोस्तों ये रियलिटी है कि आपको सफलता के लिए गूंगा बहरा होना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपका मनोबल गिराने के लिए हर प्रकार के प्रयास करेंगे। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग अच्छा जॉब करें, आप लोगों का अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो, क्योंकि लोगों का काम आपका टांग खींचना। इसलिए अगर सफल होना है तो उस मेंढक की भांति अगर लोग आपका मनोबल गिरा रहे हैं तो आप नो डाउट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे और ये समझे कि ये जो आज गालियों का शोर है इसको मैं तालियों में एक दिन जरूर बदलूंगा। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आप मन से अगर आप पूरा प्रयास करोगे तो मेरे गारंटी आप सफल जरूर होंगे। क्योंकि सफलता का एक बहुत बड़ी जो है खूबी होती है, सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है कि ये मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हो और जॉब के लिए अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तो मेरी गारंटी है सफलता आप पे जरूर फिदा होगी, रैंक आपके जरूर आएगी। तो दोस्तों अब अपन प्रॉपर वे में अपने इस चैप्टर की जो शुरुआत करते हैं, पहले अपने एक कहां कहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कहां कहां से हैं, उनमें अपन ने थोड़ा सा जो है डिस्कशन किया है। अब अपन इस पर डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। याद रखना दोस्तों, अगर आज आप रात रात भर जगकर अगर पढ़ रहे हो तो मेरी गारंटी आज की उजड़ती नींद कल का भविष्य है। आज अगर पूरी पूरी रात आप 12-12 दो दो तीन तीन चार चार बजे तक पढ़ रहे हो तो कभी यह मत सोचना है कि यार मेरे जिंदगी भर यही दिन रहेंगे क्या, क्या मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। गारंटी है आपकी इन रातों का हिसाब ब्याज सहित आपको मिलेगा, बशर्ते आप ईमानदारी के साथ में यूं ही पढ़ते रहे, है ना। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और मेरी गारंटी है कि मेरा समस्त विद्यार्थी जो है इस चीज को भरपूर जो अमल में ला रहे होंगे और वह जो रातों से जरूर लड़ रहे हैं। बीज, अब बीज की सिंपली डेफिनेशन देखो मैं अगर रखूं, बीज की दो प्रकार से परिभाषाएं दी जा सकती है। एक होती है एग्रोनॉमिक दृष्टि से, सस्य विज्ञान की दृष्टि से, और एक होती है बॉटेनिकली जो डेफिनेशन यानी वानस्पतिक। देखो एग्रोनॉमिक दृष्टि से या सस्य विज्ञान की दृष्टि से अगर मैं बीज की बात करूं
बीज की बात करूं तो मैं कोई भी पौधे का ऐसा भाग, पौधे का कोई भी ऐसा भाग जिससे नया पादप तैयार हो सके, उसमें आपका बीज, स्वयं बीज, सीड आ सकता है, जड़ आ सकती है, तना आ सकता है, पत्ती आ सकती है, कोई भी चीज जिससे जो है नया पौधा पैदा हो सके, मल्टीप्लेक्शन हो सके, वो कहलाता है आपका बीज। जैसे मैं बात करूं आलू की, तो आलू में कंद से जो है नया आपको जो है पादप तैयार होता है। अगर बात करूं गन्ना की, तो गन्ना में उसके जो टुकड़े होते हैं, सेड्स होते हैं, उससे नया पादप तैयार होता है। तो एग्रोनॉमिक दृष्टि से आपका जो बीज होता है वो पौधे के किसी भी भाग से जिससे नया पादप तैयार करने की क्षमता पाई जाए वो कहलाएगा आपका बीज। और अगर वानस्पतिक बॉटेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो बीज का मतलब होता है एक परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड। हालांकि अपने सुपरवाइजर और जेट में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन जो अपने प्लस टू लेवल के हिसाब से अपन चीजें देखेंगे। परिपक्व बीजांड यानी मैच्योर या फर्टाइल जो अपना ओव्यूल होता है उसको कहते हैं, और ओव्यूल होता है आपका नर जननांग, नर जननांग होता है, ओव्यूल होता है आपका नर जननांग। हाँ तो भैया बीज होता है परिपक्व बीजांड, जबकि अपनी फल और सब्जियां, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होती है ये होती है एक परिपक्व अंडाशय, एक परिपक्व अंडाशय को बोलते हैं फल और सब्जियां, जिसको अपन फर्टाइल ओवेरी बोल सकते हैं, फर्टाइल ओवेरी परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। ये आपका अंडाशय जो होता है वो मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं ओवेरी। इसके बाद में देखो अपन बीज की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, या कौन कौन सी संस्थाएं कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए बीज के बारे में जो अलग अलग संस्थाएं, उन संस्थाओं में पहले आती है अपनी NSC, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम NSC, इसकी स्थापना हुई 1963 में। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में यह पूछा हुआ है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, 1963 में हुई। इसके बाद में जो है 1955 में एक असेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके अंतर्गत आपके बीज को भी रखा गया। आप बीज को ठेले के ऊपर, परचूनी की दुकान पे बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते। जैसे अपन फल सब्जियों को या अनाज को इनको बेच सकते हैं, जैसे अनाज है अनाज को बेच सकते हैं, लेकिन जो बीज है प्रमाणित है, पंजीकृत है, TFL है, इस प्रकार के बीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा गया और इसके बाद में बीज का लाइसेंस भी मिलने लग गया, खाद बीज की जो दुकानें होती है। तो 1955 में ये आया। इसके बाद में जो है बीज अधिनियम बने, तो इसमें देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता, कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी कभी तो पूछ लेता कि बीज अधिनियम पारित कब हुआ, कभी कभी पूछ लेता कि घोषित कब हुआ, और कभी कभी पूछ लेता है कि बीज अधिनियम लागू कब हुआ। तो देखिए दोस्तों इसमें अपन को थोड़ा सा डिफरेंस करना है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत में जो GST जब लगी तो वो पारित और घोषित तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1.5-2 साल के पीरियड के बाद में उसको जो है एक निश्चित तिथि के बाद में जो है उसको लागू किया गया कि इतने तारीख से जो है ये समस्त राज्यों में प्रभावी हो जाएगी। तो जो बीज अधिनियम है जिसको सीड एक्ट कहते हैं, बीज अधिनियम, ये जो पारित या घोषित जो हुआ था बीज अधिनियम सीड एक्ट, वो हो गया था 1966 में। कब हो गया था, 1966 में। लेकिन इस बीज अधिनियम को लागू कब किया गया, प्रत्येक एक आदमी के ऊपर इसकी बाध्यता कब की गई, देखिए अगर हिंदी इंग्लिश में, अगर हिंदी में ज्यादा अगर पता नहीं पड़े तो आप एक चीज से डिफरेंस कर सकते हो, अगर इंग्लिश में लागू आएगा तो उसके साथ एनफोर्स्ड भी आएगा, एनफोर्स्ड, कि इसको बलपूर्वक लोगों के ऊपर कब लागू किया गया इस कानून को, है ना। तो जो बीज अधिनियम है वो लागू हुआ था 1969 में, 69 में लागू हुआ, पारित या घोषित डिक्लेयर हुआ 1966 में हुआ। फिर इसके बाद में देखिए ये बीज अधिनियम हो गया, NSC हो गया। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बीज की गुणवत्ता का नियंत्रण और वितरण का कार्य NSC करती है, वैसे ही राज्य स्तर पर कार्य करती है SSC, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राज्य बीज निगम।
अलग अलग राज्य में अलग अलग बीज निगम है, राज्य बीज निगम है। अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो RSSC हो जाएगा, आर आगे जुड़ जाएगा। राजस्थान की बात करूं तो आर जुड़ जाएगा। पंजाब की बात करूं तो पी जुड़ जाएगा, है ना। तो राजस्थान का हो जाएगा RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम। तो RSSC जो है जिसके आगे राजस्थान रहेगा, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना 1978 के आसपास हुई थी, 77-78 भी कई बुक्स में रहता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ये की गई थी आपके जयपुर में। इसके बाद में अगर इंटरनेशनल एजेंसी की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसका नाम है ISTA, इंटरनेशनल एजेंसी है जो बीज से संबंधित कार्य करती है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग ऑथोरिटी, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। ये जो है आपके 1924 में, भारत की आजादी से पहले ही है ना, 1924 में स्विट्जरलैंड में जो है स्थापित किया गया था, स्विट्जरलैंड जहां के एक टेनिस खिलाड़ी भी है रोजर फेडरर, जिन्होंने काफी टाइम तक जो है नंबर वन रैंकिंग में रहे थे बैडमिंटन इसमें लॉन टेनिस में। स्विट्जरलैंड और भारत इसका सदस्य, इस्टा का भारत जो सदस्य बना था वो बना था 1961 में, भारत सदस्य बना था। हालांकि इस प्रकार के डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसी के साथ में कभी कभी जो है एक क्वेश्चन और जेटमेर मैंने देखा है रेंडमली फ्रिक्वेंटली आ जाता है कई दफा कि एगमार्क कानून कब लागू हुआ था। एगमार्क है ना, यह भी खाद्य वस्तुओं पर गुणवत्ता और नियंत्रण का कार्य करता है, क्वालिटी कंट्रोल का कार्य करता है ना। तो एगमार्क जो है 1937 में नागपुर महाराष्ट्र में जो है इसको लागू किया गया था, वहां से इसको शुरू किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में एगमार्क। तो इस प्रकार से एक छोटी सी बेसिक चीजें हो जाएगी कि बीज को हम क्या क्या परिभाषाएं दे सकते हैं। वानस्पतिक दृष्टि से देखें तो बीज एक बीजांड है, फल सब्जियां जो अंडाश्य है। अगर अपन सस्य दृष्टि से देखें, एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीज का मतलब पौधे का वह भाग जिसमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती हो, जो अलग पादप तैयार कर सकता है, जड़ तना पत्ती फल फूल सारे वो जाएंगे। इसके अलावा कुछ एजेंसीज है, कुछ जो है सीड एक्ट है, कुछ ला है। अच्छा, अपना जो बीज का जो डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च है, अनुसंधान जो निदेशालय है बीज का, वो यूपी में है। बीज अनुसंधान निदेशालय और वो है माऊनाथ या माऊनाथ बंजन भी बोलते हैं, माऊ यूपी में है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, हालांकि वो माइनर है, माइन्यूट लेवल पे पूछे नहीं जाते हैं ना। परीक्षण प्रयोगशालाएं दे रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्ट दे रखे हैं, है ना। लेकिन ये मोस्टली ये है, आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कि बीजों में अपन नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ये तो उसकी बेसिक्स होगी, बीजों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड्स, बीजों की विशेषताएं। देखो बीजों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक चीज तो जो है नमी, मॉइस्चर कंटेंट, पहली चीज तो बीजों में नमी या मॉइस्चर कंटेंट। यहां से कई दफा क्वेश्चंस आया है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए। जब अपन बीजों को भंडारित करते हैं, जब उनका अपन भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो उस समय का मॉइस्चर कंटेंट जरूर पूछा जाता है नमी परीक्षण। आप लोगों ने देखा होगा अपने जैसे जो गेहूं वगैरह है, चना है, या जैसे प्याज है, लहसुन है, मूंगफली है, उनकी खुदाई करने के बाद, कटाई करने के बाद में, या उनकी थ्रेशिंग करने के बाद में, अपन थ्रेशिंग फ्लोर पे जो है सूर्य के प्रकाश में, धूप में जो उनको थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है, कुछ दिनों तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मूंगफली वगैरह को इनको, है ना। तो वो सुखाया इसलिए जाता है कि उसके बाद में उसको बोरियों को कट्टों में भरकर जहां अपन भंडारित करते हैं वहां उसमें सड़न नहीं हो, तो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है उसमें, कि ये भंडारित रहे 2-4-5 महीने, खराब भी नहीं हो। अगर ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगा, तो वो खराब होने लग जाएंगे। आलू और प्याज में खोदने के बाद में, आलू प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया, आलू प्याज लहसुन में खोदने के बाद में उनको सुखाना कहलाता है क्यूरिंग। क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग में उनकी नमी निष्कासन किया जाता है, एक्सिस द मॉइस्चर, नमी निष्कासन किया जाता है। और एक क्यूरिंग जो टर्म है ना, वो आपके जो है
तंबाकू में भी लागू होती है। तंबाकू में इसको बोलते हैं रचाई, तंबाकू की तोड़ी हुई पकी हुई पत्तियों को तोड़ने के बाद में सुखाना या रचाना क्या कहलाता है, क्यूरिंग या रचाई। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक में, नमी परसेंट। तो नमी परसेंट देगी ज्यादातर पूछा जाता है अपने अनाजों का या खाद्यान्न फसलों का, अनाजों का या खाद्यान्नों का, फूड ग्रेन्स का, इनका ज्यादातर अनाजों का या खाद्यान्नों का जो है सुरक्षित भंडारण अपन करते हैं 10 से 12% नमी पे। इसके बाद में आता है दलहनी फसलों का, दलहनी फसलों का अपन जो है सुरक्षित भंडारण करते हैं 8 से 10% नमी पे। और इसके बाद में आता है तिलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों के अलावा कई बार जो मसालों का भी दे देते हैं, मसालों का या तिलहनी फसलों का। तिलहनी फसलों में जैसे तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, दलहन में जैसे मूंग मोट ग्वार अरहर वगैरह है। तो तिलहन और मसालों को अपन 6 से 8% नमी पे, ज्यादातर टाइम जो है अपन से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है कि अनाजों का सुरक्षित भंडारण या खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण कितने प्रतिशत नमी पे करते हैं, 10 से 12% नमी पे करते हैं। अच्छा, इसके बाद में जो है दलहनों का 8 से 10, दलहनों में कई दफा जो है ऐसे ही, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, दलहनों में कई बार जो है आपके उर्वरकों का अनुपात पूछ लेते हैं कि एनपीके का कितना अनुपात रखें। आपको पता है दलहनी फसलों की जो रूट नोड्यूल्स होती है, जो जड़ ग्रंथियां होती है, जड़ में गांठें होती है, उनमें राइजोबियम जीवाणु होता है, ये वायुमंडल के स्वतंत्र नत्रजन को अपने जो है पौधों के लिए उपलब्ध रूप में नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इसमें जो है दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात जो है 1:2:1 रखा जाता है, 1:2:1। जबकि अगर बात करूं मैं खाद्यान्नों की, अनाजों की, तो खाद्यान्नों के केस में 4:2:1 रखा जाता है। यानी ज्यादा जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फिर फास्फोरस की, फिर पोटेशियम की। फास्फोरस और पोटेशियम दलहन और खाद्यान्न दोनों में बराबर मात्रा में है, लेकिन नत्रजन चूंकि उनमें राइजोबियम नत्रजन करता है दलहनी फसलों में, इसलिए कम मात्रा में लेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन यहां से ये याद रखना है। फिर जो है नमी के बाद में आता है अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन एबिलिटी या परसेंटेज, अंकुरण क्षमता। बीजों की ये मुख्य विशेषता होती है, बीजों में अंकुरण क्षमता का होना पाया जाना चाहिए। कुछ बीज जो है अंकुरित नहीं होते हैं तो वो उसकी जो है डिमेरिट होती है, कमी होती है। तो बीजों की जो अंकुरण क्षमता है, पहले तो अपन ये देखते हैं कि अंकुरण क्षमता ज्ञात कैसे करेंगे। अंकुरण क्षमता ज्ञात करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है, आपने एक मुट्ठी में बीज लिए 100, 200, 500, तो कुल बोए गए बीज या जो आपने लिए वो बीज, और उन जो लिए गए बीज में से कितने बीज उगे, तो कुल बोए गए बीज और अंकुरित या उगे बीज, अंकुरित बीजों की संख्या या अंकुरित बीज गुणा 100। जैसे आपने 200 बीज लिए, 100 उग गए गुणा 100, तो यह आपका 200 बीज लिए 100 उग गए, तो आपका यह हो गया ऑलमोस्ट 50% जर्मिनेशन हो गया, क्योंकि 200 बीज आपने लिए और लगभग आधे उसमें से उग गए, तो 50% जर्मिनेशन हो गया, है ना। तो बीजों की अंकुरण क्षमता का सिंपली सूत्र होता है कि बोए गए बीजों की संख्या और ऊपर आ जाएगा अंकुरित बीजों की संख्या गुणा 100। कई दफा कई कंपटीशन में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बीजों की अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने बीज बोने चाहिए या कितने बीजों की आवश्यकता होती है, तो मिनिमम होती है 400 बीजों की। कितने बीजों की आवश्यकता होती है, 400 बीजों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जो है अंकुरण क्षमता में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि न्यूनतम अंकुरण क्षमता कौन सी फसल के बीजों की होती है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज। तो सबसे कम अंकुरण क्षमता 65% से भी कम होती है, वो होती है कपास के बीजों की, क्योंकि कपास का जो बीज होता है ना उस पर छोटे छोटे जो है फज लगे रहते हैं। फज कहते हैं कपास के छोटे रेसे को, फज कहते हैं छोटे रेसे को, और लिंट कहते हैं बड़े रेशे को। तो छोटे छोटे इसके अलावा कपास में कठोर आवरण भी होता है, इसलिए अगर 100 बीज बोएंगे तो कपास में 65% से भी कम बीज उगते हैं। इसलिए कपास में याद रखेंगे कि कौन सी फसल के बीजों की सबसे कम अंकुरण क्षमता होती है, कि कपास की सब, और होती कितनी है, 65% से कम होती है। फिर इसके बाद में अधिकतम पूछे, हायर या मैक्सिमम जर्मिनेशन परसेंटेज इन विच क्रॉप सीड, तो आप इसका आंसर देंगे मक्का। मक्का के बीजों की
अंकुरण क्षमता अधिकतम होती है, वो होती है मोर देन 90%, 90% से भी ज्यादा होती है दोस्तों, है ना। फिर इसके अलावा मेनली तो ये दो चीजें हैं, अगर आप फिर भी थोड़ा देखना चाहो तो जैसे 70% अंकुरण क्षमता कौन कौन सी फसलों में होती है, तो मूंगफली है, सोयाबीन है, ग्वार है, मूंगफली है, सोयाबीन है, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्वार है। इसके बाद में अगर 75% अगर आप देखना चाहो तो 75% में आपका बाजरा आ गया, बाजरा के अलावा जो है आपका मटर आ गया, ये है बाजरा है, मटर है। इसके अलावा अगर 80% की मैं बात करूं तो 80% में आपके जैसे धान, ज्वार, तिल, बरसीम, धान है, ज्वार है, तिल है, बरसीम है, ये है। इसके अलावा 85% अगर आप चाहो तो गेहूं है, चना है, जो है, मूंग है, ये जर्मिनेशन परसेंट 85% होती है, गेहूं, जो, चना, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मूंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूनतम और अधिकतम है, मैक्सिमम और मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज है। तो ये हो गई कुछ बीजों की विशेषताएं। बीजों की विशेषताओं में एक लास्ट में टॉपिक रहता है कि बीजों का वास्तविक मान, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो है जेट में आया हुआ भी है, बीजों का वास्तविक मान, या इसको यूं कह सकते हैं उपयोगिता मान, बीजों का उपयोगिता मान या वास्तविक, वास्तव में बीज किन किन दो बातों पे जो है उसका मूल्य या उसका जो है वैल्यू जो है निर्धारित होती है, किन दो बातों पे, है ना। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरवी, रियल वैल्यू, बीजों का वास्तविक मान या बीजों का जो है उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान, जो इसका सूत्र एक बार जेट में पूछा हुआ भी है ना। तो इसका सूत्र होता है बीजों की शुद्धता प्रतिशत, बीजों में शुद्धता प्यूरिटी परसेंट, बहुत फिजिकल एंड जेनेटिकल दोनों, भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता, गुणा बीजों का अंकुरण प्रतिशत बटा शो, यानी बीजों की जो शुद्धता है भौतिक और आनुवंशिक, उसके साथ साथ उसमें कितना अंकुरण परसेंट हो वो, उसको अगर 100 से डिवाइडेड करें, भाग दे 100 का, तो जो आंसर आएगा वो बीजों की वास्तविक मान या उपयोगिता मान को दर्शाएगा। अगर किसी भी बीज का उपयोगिता मान 75% से कम है तो हम उस बीज को बुआई के काम में नहीं लेंगे, एट लिस्ट कम से कम 75% या 75% से अधिक किसी बीज की रियल वैल्यू या उपयोगिता मान आने पर ही उसको बुआई योग्य समझा जाता है। दोस्तों ये हो गई थी कुछ बीजों की विशेषताएं, अपने 12th बेसिस के आधार पे इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे तो आप सीड टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, समय की शॉर्टेज भी रहती है, ऑनलाइन वीडियोज में एक लिमिटेशन और रहती है कि शॉर्ट एंड स्वीट और कम समय में, है ना। तो ये विशेषताएं आप लोग स्क्रीनशॉट पे या उतार लें, इसके बाद में विशेषताओं के बाद में पढ़ेंगे बीजों के प्रकार, और यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है, सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है बीजों के प्रकार में से।